फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभा कुकिंग स्टोरीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मथुरा की फेमस भेड़मी पूड़ी, जिसको भेड़ई भी बोलते हैं, भेड़मी भी बोलते हैं। तो मैं वो बनाने जा रही हूँ और उसके साथ रहती है एक आलू की लगी लिपटी बढ़िया सी टेस्टी सी चटपटी सब्जी। तो मैं वो सब्जी भी बनाऊँगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है, उसके बाद मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ली है, ये बता देती हूँ आपको, ये मैंने ली थी चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और थोड़ी सी मसूर की दाल। इनको मैंने ऐसे ही सूखा मिक्सी में पीस लिया था और उसमें मैंने सौंफ, जीरा, अजवाइन, काला नमक और जो अपना रेगुलर वाला नमक होता है, हींग, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें डाल के, नमक वगैरह सब चीज़ डाल के, सारे मसाले, हल्दी और हींग डाल के मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। एकदम देखिए बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं करना, ऐसे हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। देख सकते हैं आप, देखिए इस तरीके से हल्का सा ये दरदरा रहेगा, ये देखिए। तो इसको अब हम मिलाएंगे आटे में। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक डो लगाते हैं बढ़िया सा आटे का। तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने लगभग बड़ी वाली कटोरी भर के हमने एक ये आटा ले लिया है। इसमें मैं अपना एक कटोरी भर के जो दाल का बैटर था वो पूरा डाल दूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी। इसमें सारे मसाले पड़े हैं तो बस इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, पर मैं मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, तो मैं मिर्ची स्किप कर रही हूँ। सब्ज़ी में अच्छी चटपटी बनाऊँगी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मोइन, ताकि हमारी जो भेड़मी बनेगी ना, जो पूड़ियाँ, वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनना चाहिए, एकदम कुरकुरी। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा ना टाइट लगाना है ना सॉफ्ट लगाना है, इसको दाल के साथ आटे को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसमें तेल डाला था, यानी कि मोइन जिसको बोलते हैं, उसका अंदाज़ा कैसे होगा कि सही बैठा है, वो देखिए। इसकी मुट्ठी बना रहे ना, तो इस तरीके से मुट्ठी बन रही। तो इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक अच्छा सा सॉफ्ट सा हमने डो लगा लिया है। अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ। आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितने लोगों की बना रहे उस हिसाब से डालिए। आप कुछ ऐसा लग रहा है इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है, आप देख सकते हैं, छोटी वाली स्पून। जब ये अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपना जीरा, हींग और बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ी हुई हरी मिर्ची। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, वैसे भी ये ज़्यादातर यूपी साइड में ही बनती है, तो बहुत अच्छी बनती है। ऐसा नहीं है यहाँ पर भी लोग बनाते हैं, पर ये बहुत टेस्टी बनती है। यूपी साइड में ज़्यादा बनती है, मथुरा, आगरा हुआ, वहाँ बहुत बनती है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा तेल गरम। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी हरी मिर्ची, जिसको अच्छे से चटकने देंगे। हरी मिर्ची बहुत आराम से डालिए। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया अपना हींग और जीरा। मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच हींग डाली थी, सॉरी 1 चम्मच जीरा डाला था, लगभग 1 से 1.5 चुटकी हींग डाली थी। ये देखिए अब अच्छे से जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू। आलू को मैंने अच्छे से पहले से उबाल के रख लिया था, ये देखिए, और इनको अच्छे से भूनना है। इनको चलाते हुए बढ़िया, ये देखिए ये भून रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना थोड़ा सा पानी। और आलू को अच्छे से ऐसे मैश करना है, ताकि आलू ये जो लुटपुटी सब्जी बनती है ना अपनी, वो बन जाए। लगी लिपटी बोलते हैं, लुटपुटी बोलते हैं, थोड़ी सी ऐसी ये सब्जी बन जाए। ये हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा करेंगे इसमें गरम मसाला ऐड, क्योंकि गरम मसाले से ही इसमें टेस्ट आता है। ये देखिए, मैं रेडीमेड वाला गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपना घर का बना हुआ कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बनती है हमारी सब्जी। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं, पर इसमें गरम मसाले से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं ऐड करूँगी। तो ये देखिए बन रही है, जब तक ये तब तक हम अपनी तैयार करते हैं भेड़मी पूड़ियाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के आटा हमारा लग चुका है भेड़मी का। अब हम लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा पटे पे और इस आटे में थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, ताकि आपके हाथ चिपके नहीं।
और मैंने तेल गरम होने रख दिया है कढ़ाई में, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको ले लिया चकले पे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। इस तरीके से फ्रेंड्स छोटा छोटा सा बेल लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से बेली है छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, अब इनको तलते हैं। आइए ये देखिए फ्रेंड्स तेल हमारा गर्म हो चुका है बढ़िया, इसमें अपनी बेड़मी डाल रही हूँ मैं सेकने के लिए, और अच्छा इनको लाल होने तक, गोल्डन कलर होना चाहिए, सेकेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करा करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिल जाए। देखिए आपसे बातें करते करते बढ़िया गोल्डन कलर की बेड़मी हमारी सिक्के तैयार हो रही हैं, ये देखिए। चलिए अब सिक गई हैं, इनको सर्व करते हैं, ये वाली निकाल लेते हैं और बाकी इसमें पूड़ियाँ डाल के तल लेते हैं और अच्छे से इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनके तैयार है हमारी बढ़िया गर्मा गर्म मथुरा स्टाइल भेड़ई पूड़ी, भेड़मी पूड़ी बोलते हैं जिसको। ये देखिए ये आलू की सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल ऐसी ही बनती है वहाँ पर मथुरा साइड आगरा साइड, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए हमारी फूली फूली, ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम क्रिस्प फूली फूली बढ़िया भेड़मी। तो आप भी बनाइए खाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। तो थैंक यू।